डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का एकेडमिक हेड, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे किसी भी कोचिंग सेंटर को, डिफेंस बेस्ड कोचिंग सेंटर को चुनें, कैसे एक अच्छे बेहतर कोचिंग सेंटर का चयन करें जो आपकी पर्सनालिटी को एकेडमिक्स वाइज बहुत अच्छे से निखार के सामने लाए, आप लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई करो और बाद में एसएसबी भी आप क्वालिफाई करो। तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे पहले आप खुद सर्च करें इंटरनेट पर कि देहरादून के अंदर कौन कौन से अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करो, ठीक है। ऑनलाइन में देखो क्या क्या फीचर्स आपको दें कोचिंग सेंटर, क्या क्या एक्स्ट्रा एकेडमिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आप देखें, शॉर्टलिस्ट करें। सेकेंडली उस कोचिंग सेंटर को विजिट करें। विजिट जब आप करेंगे तो आप डेमो क्लर्क का डिमांड जरूर करना कि हमें यहाँ पर डेमो लेना है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा आपके एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और आपका एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तो उस एकेडमी को तभी पता चलेगा कि आपके कंटेंट पहले कितने क्लियर हैं। उसके अलावा उसी के अनुसार वो आपको काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपने वहाँ के टीचर्स कैसे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं से आपने बेटा फिर पूरे साल भर 6 महीने पढ़ना है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर कम से कम एक दिन का डेमो तो ज़रूर देना है ताकि आपको पता चले कि टीचर्स के साथ आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। थर्डली, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब आपको डिसीजन लेना है बेटा, तो थर्ड पार्ट इज दैट नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। अब आपने कोचिंग सेंटर्स देख लिया, आपने उसको विजिट करके भी देख लिया, आपका टेस्ट हो चुका है, आपको एक काउंसलिंग भी, एक फीडबैक भी उन्होंने दे दिया है, आपने वहाँ का डेमोन्स्ट्रेशन भी ले लिया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ लिए, टीचर्स के साथ भी आपने इंटरेक्ट कर लिया है। अब आपका फैसला है, अब आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई कोचिंग सेंटर अच्छा है कोई गंदा है, ये आपको डिसाइड करना है कि विच इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। कौन से कोचिंग सेंटर से आपको सीखने को मिल सकता है और कौन से कोचिंग सेंटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स क्लियर हो सकें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर आपको आपके प्रॉपर काउंसलिंग या आपका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मना कर दे, तब ये सोचने वाली बात है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।